मंगलौर की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले में किसान सम्मान यात्रा निकाल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरुकुल नारसन से कांग्रेस द्वारा किसान सम्मान यात्रा का आगाज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के 1100 रुपये बीघा मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये करे और साथ ही किसानों के कर्ज की ब्याज की राशि भी माफ करे। इस दौरान कांग्रेस नेता यशपाल आर्या ने पत्रकारों को कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगुना करने का वादा किया था, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। ने माननीय मुख्यमंत्री को हजारों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा था, उनसे बात की थी और हमारी मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है, इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। हमने कहा बिजली पानी और कर्ज, किसान का 6 महीने का कर्ज पर ब्याज और बाकी वसूली जो है बिजली पानी की वो माफ़ करिए, इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान करिए जो बकाया है किसानों का, और जो गन्ने का खरीद मूल्य है जल्दी घोषित करिए और 450 रुपये के पार करिए। किसानों में बहुत आक्रोश है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ जातियाँ की हैं, जुल्म किए हैं और उनके हक से उनको महरूम किया है। इन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, आय दोगुनी नहीं हुई। जरूर हुआ कि जो गन्ने का भुगतान है वो रोक दिया गया, गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया,